गैस मम्मा ने ले लिया बाल्टी से पानी और इधर मम्मी लिपेंगे चूल्हा। वो क्या अच्छा लगा है ना, लाल लाल मिट्टी के नहीं, पीली मिट्टी है। मिट्टी है पीली। हाँ, कपड़ा नहीं रखा हुआ है आज तक, कपड़ा रखा हुआ हाथ से ही लिपते पोतते हैं। अच्छा, चमका देंगे आज मम्मी अपने चूल्हे को। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। ये काला काला हटा देना सारा है ना। तो ये देखिए गाइस मम्मी कैसे कैसे मिक्स कर रहे हैं गोबर को। तो लाल मिट्टी से मिक्स कर रहे हैं मम्मी गोबर, लाल मिट्टी है ना मम्मा ये। हाँ जी। तो गाइस इसे करने वाले हैं लिपाई स्टार्ट। तो गाइस अभी जो है चूल्हा तो मम्मी ने कर लिया, तो अभी भाभी बोल रहे थे कि मैं करती हूँ टपरे की सजावट रसोई की। गैस पारी वाजा में टपरा रसो दोनों ही चलता है। गाइस देखिए थोड़ा बहुत आइडिया लगाया है मम्मी ने, तो मम्मी चले गए हैं लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि इधर से थोड़ा सा हमारा बारिश की वजह से नुकसान हो गया था। तो देखिए दोस्तों इधर जो है मम्मी ने कैसे कैसे तीन करके सीट जो है लगा लिए हैं, और मम्मी अभी ना लकड़ी लेने के लिए गए हैं, तो उसमें कील लगी हुई है, तो लकड़ी लेके आ गए मम्मी अभी। देखिए गाइस। हे गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से गाइस, और जो भी नए आएंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल का और सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना। तो दोस्तों ये देखिए हमारे लकड़ी रखी थी स्टोर करके ना, वो बाहर वाली जो रसोई है हमारी, मतलब चूल्हे वाली जो रसोई है उधर के बाहर रखी हुई थी, लेकिन गाइस देखो बारिश की वजह से जो है बहुत बुरा हाल हो गया है। कुछ लकड़ियां हमने ढक के रखी हुई, लेकिन इतने जो है वो ऊपर से ढकने के लिए भी कुछ नहीं था गाइस, तो ऐसी रह गई वो। तो अभी देखिए गाइस मम्मी कैसे कर रहे हैं। गाइस अभी ना हमारे जो टपरा है तो उसका जो है हुलिया चेंज होने वाला है। टपरा बोल दे तू वीडियो, पहाड़ी में टपरा ही नहीं बोलते हैं, तो बार की रसोई गाइस मतलब आग सेकने वाली रसोई। तो गाइस ये देखे हमने जो है उसके लिए ले लिया है गोबर और लाल लाल मिट्टी ले ली है गाइस, और ये ताजा ताजा गोबर है, तो उससे जो है आज करने वाले हैं इसका थोड़ा सा हुलिया चेंज, क्योंकि गाइस ना बहुत अच्छा हुलिया बनाया हुआ था इसका, लेकिन क्या है कि बारिश में जो है ना इतने बुरे हाल हो गए थे कि बारिश ऊपर से गिर गई थी उधर से, और नीचे देखिए आप कितने बड़े बड़े खड्डे जो है इधर पड़ गए हैं, ये सब बारिश की वजह से हुआ है गाइस, और फिसलन देखो कितनी हो गई है। तो आज तो ये देखिए गाइस मम्मी कैसे कैसे मिक्स कर रहे हैं गोबर को, तो लाल मिट्टी से मिक्स कर रहे हैं मम्मी गोबर, लाल मिट्टी है ना मम्मा ये। तो गाइस इसे करने वाले हैं लिपाई, बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं ना। ये देखिए गाइस गागा चके में से लिपेंगे पोतेंगे हम चूल्हा। अच्छा ये साइड में रख लिया। गाइस मम्मा ने ले लिया बाल्टी से पानी और इधर मम्मी लिपेंगे चूल्हा। वो किचन लगा है ना, लाल लाल मिट्टी के नहीं, पीली मिट्टी है। मिट्टी है पीली। हाँ, कपड़ा नहीं रखा हुआ है आज तक, कपड़ा रखा हाथ से ही लिपते पोतते हैं।
चमका देंगे आज मम्मी अपने चूल्हे को। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता ऐसा अपने चूल्हा तो। हम भी ऐसे लिपते हैं पर हम कपड़ा रखते हैं। मम्मी दिले ले गोबर नहीं लगाते हैं। अच्छा फट जाता है ना मिट्टी के साथ ही करना। क्या क्या कंगना दे दिया रा ओ ऐठे गैस। देखो पहाड़ों में एक रसोई मतलब आग सेकने के लिए होती होती है, तो शाम का खाना कभी कभी हम नीचे बना लेते हैं क्योंकि ठंड लग जाती है तो आग भी सेक लेते हैं और खाना भी बन जाता है। काला काला हटा देना सारा है ना। अच्छा कपड़े से पोछे बिल्कुल नहीं मारना। कितना बढ़िया हो रही है ना दोस्तों, देखो चूल्हे की लिपाई। गाइज एक बात है, हमारे जो महाराष्ट्र में चूल्हे की लिपाई करते हैं ना तो वहाँ जो है ऐसी मिट्टी नहीं होती है, लाल 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 मिट्टी मतलब पीली मिट्टी, तो हम इधर हिमाचल में इसको लाली मिट्टी बोलते हैं पीली मिट्टी को, तो इसलिए मेरे मुंह में भी जो है वो पीली मिट्टी की जगह लाल मिट्टी आ रहा है ना। ये अंदर अंदर की साइड वो तो फिर से जल जाएगा ना। अच्छा बाहर की साइड में कर रहे हो। तो गाइस मम्मी बोल रहे अंदर के साइड में नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर से जो है वो आग जलाएंगे तो फिर से ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों देखो हमारा चूल्हा जो है बनके तैयार हो गया है अच्छे से, तो मम्मी जो है अभी इस साइड से लगा रहे हैं मिट्टी। गाइस जब पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि जैसे चूल्हा नहीं हो, लकड़ियाँ नहीं हो, हीटर भी कितना लगाना, हीटर से जो है अच्छी आग मतलब इतनी नहीं तप सकते हम, गर्म नहीं कर सकते अपनी बॉडी को, लेकिन जब चूल्हे के पास बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, रोटी खाने का भी और आग सेकने का भी। अभी तो बरसात के टाइम में इतना नहीं आता है लेकिन कभी कभी ठंड हो जाती है, जैसे बारिश वगैरह होती है ना तो ठंड हो जाती है। ये देखिए गाइस अभी ना हो गया चूल्हा, किनारे किनारे नहीं करनी। मम्मी अच्छे से सजा रहे हैं। तो गाइज अभी जो है चूल्हा तो मम्मी ने कर लिया, तो अभी भाभी बोल रहे थे कि मैं करती हूँ टपरे की सजावट रसोई की। गाइज पहाड़ी भाषा में टपरा रसोई दोनों ही चलता है।
एंचू भी पोतेगी, एंचू नहीं पोतेगी। बारिश की वजह से इतना बुरा हाल हो जाता है ना। मम्मी थी लगाना था कुछ तो लगाने की चादरी, फिर पानी नहीं जाता, कुछ है नहीं सीट वगैरह। हाँ लगा दे, क्योंकि फिर बारिश बरखा के देर से खराब नहीं होना है ना। पानी लगा पनो थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क। हाँ माड़ा माड़ पानी छिड़की के ना हथों सुकी आंदा ना हथ। तो गाइस देखो पहाड़ों में ऐसे करते हैं गोबर से लिपाई। और मम्मी कर रहे हैं गाइस इस जो चूल्हे वाली रसो है उसका कुछ कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि गाइस बारिश की वजह से जो है हमारे टीन जो है ना वो हट गया है, तो इसकी वजह से जो है हमारा सब कुछ अंदर जो है ख़राब हो गया है, लकड़ियाँ बिकड़ियाँ सब कुछ। पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा, हर दिन जो है वो पानी पानी बरसात होती है। तो गाइस अंशु भी आ गए, अंशु 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 क्या कर रहे हो आप? फ्रॉक दिखा दो मम्मा अपनी। गाइस कैसे दिखाती है शरारती। गाइज इधर जो है ऐसा काम चल रहा है और मम्मी क्या कर रहे हैं गाइज देखिए आप, मम्मी कर रहे हैं मिस्त्री का काम। मिस्त्री की बेटी है तो गाइज देखो मम्मी जो है वो बारिश की वजह से हमारे रसो घर जो है टूट गई है, तो मम्मी कर रहे हैं मिस्त्री का काम। हाँ तू भी ये देखे गाइज ऐसे लगा रहे हैं मम्मी ताकि पानी ना जा पाए छत से नीचे। कैसे आएगा, सीलिंग सीट लगा रहे हैं मम्मी। मम्मी को मिस्त्री का काम भी आता है। नहीं है नहीं मम्मा ये तो पानी फिर अंदर जाने उथड़ा करना था। हाँ तीसरा पाइप में जागे बढ़ने हो मजे बढ़ाया पर छोटे फिर पंगा। हाँ इया इया बड़ी वाली। हाँ ऐसे इया होना चाहिए था। ये देते हैं हम। अरे बाप रे इतनी भारी है ऐसे। हाँ बड़ा काम। फिर से नीचे ही जाएगा है ना। तो ये अभी ना इसके ऊपर रखना था तरपाल कि नहीं तरपाल तो थल्ले जाना कैसे
है ना, पीस नहीं आता। ओ भी अब आलो थी बात वेश ना रड़े। ओ देख नीचे हाँ चौड़ा पीस सवाल दो। गाइस देखिए ये जो सीलिंग लगाई हुई है ना हमने अपने घर में, तो इसके पीस बच गए थे, तो मम्मी जो है उसका हाँ आइडिया लगा रहे हैं कि कैसे कैसे लगाना है ऐसे। हाँ हाँ यहाँ लगा था ये तो हेट दे अभी दे तो कुछ नहीं तो थोड़ा तो दबी दे है कि एक हेठिया लगा देना कहने और ही दो ही यहाँ लगा दे। रुक मम्मा बता क्या गाइस कुछ काम नहीं हो रहा है कैसे लगाना है ये। गाइस देखिए थोड़ा बहुत आइडिया लगाया है मम्मी ने, तो मम्मी चले गए हैं लकड़ी लाने के लिए क्योंकि इधर से थोड़ा सा हमारा बारिश की वजह से नुकसान हो गया था। तो देखिए दोस्तों इधर जो है मम्मी ने कैसे कैसे तीन करके सीट जो है लगा लिए हैं और मम्मी अभी ना लकड़ी लेने के लिए गए हैं, तो उसमें कील लगी हुई है तो लकड़ी लेके आ गए मम्मी अभी। देखिए गाइस मम्मी कैसे लगा रहे हैं। हाँ क्या लगाना इधर पत्थर लगाते हैं पत्थर पत्थर उठा लेगी। बच्चा अंशु सरक मामा पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा धीरे धीरे ओए अरे गोट आ गई जैसे धीरे धीरे क्या हो गया। गाइस गोट आ गई जगाने के लिए अभी जा रही है वो मार मार बकरी मार सब बेबिया मार मार बकरी मार 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 बेबिया छोटे छोटे चिन्नू वीडियो बन गई। हो गया अभी अच्छा दिख रहा है। हाँ अभी इधर से ना सीट सीट लगा लेगी वाली थोड़ा एक लकड़ और लगाना फिर थोड़ा यहाँ से पहले साइड आते हैं अपन। हाँ एक और लकड़ी लगा रहे हैं गाइस मम्मी फिर हम चलते हैं नीचे। तो नीचे जो है गाइस रसो जो है वो उसकी पुताई होगी है। नानी इधर मम्मा मम्मी इधर से लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं फिर से तो फाइनली गाइस कितना सुंदर लग रहा है ना ये देखिए हो गया क्लीन क्लीन हो गया बहुत अच्छा सा। ये देख सकते हैं गाइस अभी सिर्फ इधर इधर रहा है ना हो ही गया अब। तो गाइस फाइनली जो है वो पुताई हो गई है हमारी रसोई घर की। तो अभी जो है हाथ धोने वाले हैं तो भाभों को दे रहे हैं साबुन और साबुन से धोने वाले हैं हाथ है ना। तो गाइस फिर धोएंगे ये तसला टोकर है ना। तो ठीक है दोस्तों कैसे लगा आज का व्लॉग जो है आप सभी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और सपोर्ट करना बहुत सारा क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना सब अधूरा है। मैं हर बार बोलती रहती हूँ तो प्लीज़ इतना सा दिल में लीजिए लाइक कर दीजिए। तो ठीक है बाय बाय।